नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद पंचायती राज को लेकर कुछ निर्णय किए गए हैं जिससे मैं आपको अवगत करवाने आया हूं। मोदी जी की सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उसी दिशा में एक कदम है। 2018 से लेकर 2022 तक इस पर कुल मिलाकर 2,364 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आज इसको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर, भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। कुल मिलाकर 5,911 करोड़ रुपया 2025-26 तक अगले चार वर्षों में खर्च होगा। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, मदद मिलेगी। अगर आप तुलना करके देखें, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो पहले राशि खर्च हुई थी वो 2,364 करोड़ रुपया थी, जिसमें 60% से ज्यादा वृद्धि करके लगभग 3,700 करोड़ रुपया अब इस पर खर्च होगा। इस योजना के अंतर्गत 1,36,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1,65,00,000 लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय, नेशनल और लोकल दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। सो ऑन वन हैंड वी आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंप्रूव द कॉन्टेंट एज पर द एस्पिरेशन एट द नेशनल एंड एट द लोकल लेवल। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को किया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। GPDP की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले चार साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा कि 1,36,00,000 लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1,65,00,000 लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। आज पंचायतें ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, इक्विटी को पूरा कर पा रही हैं और इसके अलावा 2,30,000 ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को अकाउंटिंग PFMS के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने अनुभव किया होगा कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जहां एक और किया जा रहा है, वहीं पर कैपेसिटी बिल्डिंग का किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर और गांव के बीच में जो एक बड़ी खाई थी, शहरों का विकास तो होता गया लेकिन आजादी के बाद गांव पिछड़ते चले गए। हालांकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, लेकिन आजादी के बाद शायद अनदेखी उसकी हुई। लेकिन जितना फोकस अब की बार हुआ है, आदर्श ग्राम पंचायत की बात हो, आदर्श गांव की बात हो,
या पंचायती राज के पूरे सिस्टम को ही और इफेक्टिव करने की बात हो, और इसमें आप देखेंगे अधिकांश 50% से ज़्यादा महिलाएं पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। तो एक और से महिला सशक्तिकरण का काम भी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है, और कुल मिलाकर आउटपुट और आउटकम इसमें बेहतर आए उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। धन्यवाद। इसमें एक मैं पार्ट और जोड़ देता हूं कि क्षमता विकास के कार्यक्रम में इन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एक तो पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन विलेजेस, दूसरा हेल्दी विलेज, तीसरा चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, चौथा वाटर सफिशिएंट विलेज, पांचवा क्लीन एंड ग्रीन विलेज, और छठा सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, सोशली सिक्योर्ड विलेज सातवां, और आठवां विलेज विद गुड गवर्नेंस, और नवा और अंतिम डेवलपमेंट इन विलेज ओवरऑल जो हम कह रहे हैं जिसकी बात उसको भी लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। सॉरी, प्लीज टेक द माइक। इसको बढ़ाने का भी कोई प्रपोजल ऐसा था कि नहीं कैबिनेट में? आज की सीसीए में यही विषय था जिससे मैंने आपको अवगत करवाया। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। ये जो पूरी एलोकेटेड मनी जो खर्च की जाएगी वो बेसिकली ग्रामीण विकास के किन किन क्षेत्रों में खर्च की जाएगी, इसके बारे में अगर कोई ब्यौरा? जैसे मैंने आपको कहा कि पंचायती राज संस्थानों को और मजबूत करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके ओवरऑल जो करिकुलम है, कंटेंट है, उसको रिवैम करके इस पूरी योजना में सुधार लाया गया है, और कुल मिलाकर प्रशिक्षित जो हमने पहले किए थे 1,35,00,000, अब जाकर उसको बढ़ाकर 1,65,00,000 लोगों को प्रशिक्षित इसके अंतर्गत कर पाएंगे। और जैसे इसका कंटेंट है उसको भी रीडिज़ाइन करने की बात कही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की बात कही है, और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जो विलेज स्तर पर हम 9 बिंदु रखे हैं जिसको अचीव करने वाले हैं, हेल्दी विलेज हो, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, क्लीन एंड ग्रीन विलेज की मैंने बात की, तो सारे ही इसके माध्यम से होंगे। जब उनको प्रशिक्षण मिलेगा और नेशनल और रीजनल एस्पिरेशनल के अनुसार हम उसको ठीक कर पाएंगे और इंसेंटिवाइज भी करके दे रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी है, प्रशिक्षण भी है, नया कंटेंट भी है, और उसको इंसेंटिवाइज भी करने जा रहे हैं, और यही सुधार इस पूरी स्कीम में लाकर, ताकि कुल मिलाकर स्कीम में भी सुधार लाए हैं और गांव में भी सुधार लाने का काम करने वाले हैं। या 107। सर, आमिर हूं मैं न्यूज नेशन से। ये इसमें आपने बताया था कि अकाउंटिंग के अलावा, ई अकाउंटिंग के अलावा और कौन कौन सी सर सुविधाएं होंगी जो गांव में इसके माध्यम से की जा सकेंगी? पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड विलेज, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, हेल्दी विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली सिक्योर्ड विलेज, विलेज विद गुड गवर्नेंस, उस दिशा में ये सारे कदम हैं। एनी अदर क्वेश्चन? या रविंदर जी, जो ग्राम को 9 कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसके लिए जैसे चाइल्ड फ्रेंडली हो या फिर दूसरे जो कैटेगरी है उसके लिए स्पेसिफिक कोई वर्कआउट किया गया है कि कैसे बनेगा गांव चाइल्ड फ्रेंडली हो या डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो या ई फ्रेंडली हो, इसके लिए क्या कुछ खास पैमाना रखा गया है हर गाँव के लिए? देखिए, जैसे पहले वाला प्रश्न भी था कि इसमें ई ग्राम योजना में ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है, एक तरफ से उसके माध्यम से प्लानिंग, बजटिंग और अकाउंटिंग, इक्विटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनको प्रशिक्षण देके ताकि उनकी कैपेसिटी व्यक्ति की भी बढ़े, संस्था की भी उसी से बढ़ेगी और गांव में सुधार भी उसी से आएगा। और यही इसमें अकाउंटिंग और पीएफएमएस सिस्टम जो है
उसको भी इस्तेमाल करना, बहुत सारी पंचायतों ने, लगभग 2,30,000 पंचायतों ने उसको करना शुरू किया है। ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उनके कामकाज में सुधार की बात कर रहे हैं, जिससे कुल मिलाकर ये जो 9 बिंदु बताए गए कि जिनको अचीव करना है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से ही हो पाएगा। नहीं नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मैंने जब जिसकी बात कही, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ टाई अप करके इनकी ट्रेनिंग होगी, नॉलेज पार्टनर के रूप में हमने उनको चुना है, और इसमें पंचायत प्रतिनिधि हो, अन्य कर्मी हो, उनका प्रशिक्षण की आंकलन किया जाता है, फिर उनको प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाता है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फ्रेमवर्क ये सारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है, और ये पहले भी, जैसे मैंने कहा, 1,35,00,000 को किया है, इसके अब 1,65,00,000 को और करने का प्रावधान इसमें किया गया है।